नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपना यूट्यूब चैनल यूपी किसान, हमारा जान किसान भाइयों, आज हम देख रहे हैं कि बैंगन की खेती में काफ़ी अच्छा फल फूल फ्रूटिंग काफ़ी अच्छा क्वालिटी, जैसे आपको दिख पा रहा होगा इधर से। एक साथ किसान भाइयों डबल झोपे में बैंगन काफ़ी अच्छा और भी लाइटदार एकदम चमकदार बैंगन, जैसे आपको पूरे खेत में काफ़ी अच्छे किस्मों के फल लगी हुई एवं पूरे हर पौधे में भरपूर दिखाई दे रही होगी। तो चलिए किसान भाइयों, इस गोल बैंगन की खेती के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी पर बात करने वाले हैं। किसान भाइयों इधर देख सकते हैं बैंगन, किसान भाइयों इधर भी आप देख सकते हैं काफ़ी एकदम लदर भदर झालर की तरह लटका हुआ बैंगन है। पौधे भी काफ़ी अच्छे दिख रहे होंगे आपको किसान भाइयों, जैसे कि पौधे भी एकदम हरे हैं और काफ़ी किसान भाइयों जो पौधे में जो फूल है एक जगह के तीन तीन फूल फल दो झोपे के साथ और एक इधर तीन, एक बार में किसान भाइयों तीन तीन फल एक जगह से हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगा। जैसे इधर आप देख पा रहे हैं किसान भाइयों कि एक जगह से तीन फल, जो इस समय आप देख पा रहे हैं कि फल फ्रूटिंग के साथ पौधे भी काफ़ी हरे क्वालिटी की है। इस प्रकार किसान भाइयों बैंगन में, किसान भाइयों इस समय कुछ ठंड की मौसम आ चुकी है। किसान भाइयों हम बात करने वाले हैं ठंड में हम कौन सी उर्वरक का उपयोग करें, कौन सी कीटनाशक का उपयोग करें, कौन सी फंगिसाइड का उपयोग करें, ताकि जो पौधे में जो सड़न आती है ठंड नहीं लगती है, कि हम कौन सी दवा का उपयोग करेंगे तो कि हमारी जो बैंगन में जो ठंड की जो मतलब लगती है पौधे सड़ने लगते हैं। पौधे किसान भाइयों काफ़ी मतलब मजबूत है, लेकिन हम पहले से अगर उस पर दवा स्प्रे छिड़कर बनाए रखेंगे तो हमारी जब इम्यूनिटी जब पौधे की बूस्ट रहेगी तो जब हमारी जो बैंगन की जो फसल होगी काफ़ी ज़्यादा दिन तक तुराई होगी। और काफ़ी किसान भाइयों हर जगह से, जैसे आप देख सकते हैं किसान भाइयों कि तीन चार फल झोपे के साथ लगी हुई है। किसान भाइयों बात कर रहे थे हम मतलब ठंड की सीज़न आ चुकी है और इस समय किसान भाइयों हम ऐसे आपको दवाई के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आपको छिड़काव करने से काफ़ी ज़्यादा फल भी आपको आएगा और काफ़ी पौधे भी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा, पौधे में ठंड नहीं लगेगी और काफ़ी हरा दिखेगा, जैसे आप अब देख सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों जैसे कि मतलब किसान भाइयों बैंगन की पूरे पूरी फसल दिख पा रही होगी किसान भाइयों, ये पूरा बैंगन है जो हमारे खेत की है, जैसे आप देख सकते हैं किसान भाइयों काफ़ी झोपे के साथ लगी हुई है, मतलब पौधे एक जगह नहीं बल्कि पूरे खेत में, जैसे आप देख सकते हैं इधर मतलब पूरे खेत में लगी हुई है बैंगन और काफ़ी अच्छा भी हार्वेस्टिंग भी हो रही है। किसान भाइयों हम कीटनाशक की फर्स्ट अगर बात करते हैं तो इस समय किसान भाइयों हम सरपंच ले सकते हैं, फाइटर साई फाइटर ले सकते हैं और परफेक्स ले सकते हैं। किसान भाइयों अगर इनमें तीनों की अगर मतलब कंपोनेंट की बात करें तो तीनों के कंपोनेंट एक ही है, लेकिन कंपनी की अलग है। किसान भाइयों तीनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। किसान भाइयों इसमें प्रोफेनॉस मिलेगा आपको 40% और साइफरमिथ्रिन मिलेगा 5% 4% किसान भाइयों, और इसके साथ इमामेक्टिन बेंजोएट, जो इमेट बेंजोएट के नाम से हम जानते हैं, जो कंपनी की आती है किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है उसकी। जो किसान भाइयों हम खुद अपने बैंगन में छिड़काव किए हैं और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस तरफ से देखने को मिल रहा होगा। किसान भाई जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार किसान भाइयों पूरे खेत में बैंगन। किसान भाइयों फंगिसाइड की बात करें तो हमें M45 और बावस्टीन ले लेनी है प्रति टंकी के हिसाब की अगर बात करें। अगर हम कीटनाशक की बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें कीटनाशक कितना लेना है तो 2 ml प्रति लीटर
मतलब 2 ml प्रति 1 लीटर पानी के लिए हम किसी भी इंसेक्टिसाइड को ले सकते हैं। और दूसरा जो इमामेक्टिन बेंजोएट है, किसान भाइयों 15 लीटर पानी के लिए, अगर आपके खेत में कीट कम है तो 5 ग्राम ले सकते हैं, अगर कीट कहीं ज़्यादा है तो किसान भाइयों अगर 15 लीटर पानी के लिए 10 ग्राम आप इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों हम M45 और बावास्टीन, M45 में मैनकोजेब आपको 63% मिल जाएगा और बावास्टीन में किसान भाइयों कार्बेंडाजिम मिल जाएगा आपको 50% इसी में। इस प्रकार किसान भाइयों दोनों को मिक्स करके 30-30 ग्राम, मतलब 30-30 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए 30 ग्राम M45 और 30 ग्राम बावास्टीन का छिड़काव करेंगे। और एक बार M45 और बावास्टीन का छिड़काव जब कर देंगे तो जो सेकेंड हमारी जो छिड़काव होगी उसमें बावास्टीन और हम बोरान का छिड़काव करेंगे, ताकि जो फल हो वो काफ़ी लाइट में हो, काफ़ी चमकदार हो, मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट हमें मिले। इस प्रकार किसान भाइयों हम अपने बैंगन की खेती में छिड़काव कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों सल्फर का हम घोल का अगर स्प्रे करते हैं तो जो हमारी फल होगी, जो पौधे होगी, काफ़ी उनकी पे भी होगी और इसमें ठंड नहीं लगेगी। जैसे इधर आप देख सकते हैं किसान भाइयों, एकदम से एकदम झोपा से माल लगी हुई है पूरे एकदम प्लांट में।